हेलो दोस्तों, मैं आज अनीता श्रीवास्तव बोल रही हूँ। अर्जुन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको नई रेसिपी लेके आई हूँ जो फलाहार में खाया जाता है, जो व्रत में खाया जाता है फलाहार के रूप में। आज मैं तिन्नी के चावल की खीर बना रही हूँ। आइए उनकी सामग्री देख ले। ये हमारा तिन्नी का चावल है जो इजली मार्केट में मिल जाता है। इसको मैं साफ़ करके धुल ली हूँ, थोड़ा भिंगो के रख ली हूँ। ये छोटी इलायची है, ये हमारा चीनी है, कुछ सूखे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये हमारी देसी घी है। आइए मैं इसको कैसे बनाती हूँ आपको बताती हूँ। मैं गैस को ऑन करती हूँ। मैं इसमें खीर को बनाने के लिए आधा लीटर दूध की ज़रूरत पड़ती है। मैं ऑलरेडी पहले से दूध को गर्म कर रही हूँ, इसमें मैं खीर बनाऊँगी। ये बहुत ही टेस्टी खीर बनती है और विशेषकर इसको व्रत में खाया जाता है। ये देखिए मैं देसी घी डाल रही हूँ। इसमें अपने तिन्नी के चावल को भूंजूंगी। ये कढ़ाई मेरा अच्छे से गर्म हो जाए घी, तब मैं इस चावल को भूनूंगी। ये देखिए मेरा घी गर्म हो गया है, अब इसमें मैं चावल डालती हूँ। इसको चलाऊंगी, इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे रखूंगी ताकि मेरी चावल जले ना। अब इसको अच्छे से चलाऊंगी। इसको भूनने में हमें 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब देखिए मेरा अच्छे से भून गया है। अब मैं अपने फ्लेम को बंद करती हूँ। अब मैं दूध ट्रांसफ़र करती हूँ। अब देखिए मेरा दूध अच्छी तरह से पक गया। इसमें हम चावल डालेंगे जो अभी फ्राई किए हैं। इसको बहुत सफाई से बनाया जाता है क्योंकि इसको व्रत में खाया जाता है, इसलिए इसे बहुत ध्यान देना पड़ता है। अभी मैं चावल डालने के बाद इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पर रखूँगी। जब मेरा चावल अच्छे से पक जाए तब इसमें मैं चीनी डालूँगी, छोटी इलायची डालूँगी और लास्ट में ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। कि इसमें हरी वाली इलायची डालूँगी टेस्ट के लिए, जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। आपको जितना मीठा लेना उसके अकॉर्डिंग आप चीनी डालिएगा। हम मीठा कम खाते हैं इसलिए हम 3 ही चम्मच डालेंगे। अब इसको अच्छे से 5 मिनट पकने दें। देखिए 5 से 7 मिनट हो गया है, मेरी खीर अब गाढ़ी हो गई है और इसके चावल भी पक गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसके चावल भी एकदम पक गए हैं। अब ये मेरा खीर रेडी हो गया है। अब इसको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी। अब मैं इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश करूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी टेस्टी खीर व्रत के लिए तैयार हो गई है दोस्तों। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। धन्यवाद।